नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। मैं डॉक्टर रमाकांत यादव आज आपको धान में लगने वाले सबसे भयंकर बीमारी के बारे में बताऊंगा, जिसमें से भयंकर कीट है जो धान में प्रकोप होता है, जिसे आप तना छेदक या स्टेम बोरर कहते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि इससे आप कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे आप अपने खेत में अपनी फसल में लगने से पहले आप इस रोग की पहचान कर सकते हैं इस कीट की। चाहे आप जिस भी वैरायटी आप धान में लगाए हों, चाहे आप 17-18 हो, 15-09 हो, 16-92 बासमती हो, सुगंध हो, सरबती, आप किसी भी किस्म का आप अपने खेत में पैदावार कर रहे हैं, तो सभी में ये जो तना छेदक है इस कीट का प्रकोप होता है, ये बीमारी लगती ही लगती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जब आपका धान कोथ में आ जाता है यानी बाली निकलने से पहले आप ये दवा का स्प्रे ज़रूर कराएं। इसमें से आप जो साल्ट ले सकते हैं दवा लेमडा प्लस थायमोक्सम, इस दवा का आप घोल बनाकर अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। और लेकिन आप ध्यान दें कि ये जो दवा है आप दोनों को अलग अलग घोल बनाएं, एक साथ घोल नहीं बनाएं, क्योंकि एक साथ अगर घोल बनाएंगे तो फट जाएगा। आप दो अलग अलग बाल्टी लें, उसमें से आपको दोनों का अलग अलग घोल बना के फिर बराबर की क्वांटिटी में मिलाकर इसका क्या करें, आप अपने खेत में स्प्रे करें। और इसको कितनी क्वांटिटी में करना है, जैसे आप एक एकड़ में इसको 200 ग्राम तक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप अपने जो जिस भी दुकान से लेते हैं उससे आप पूछ लें कि इसका कितना दवा स्प्रे करना है, वो आपको सारा कुछ बता देंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं, अगर आप पहले ध्यान नहीं दे पाए हैं, आपके खेत में जो तना छेदक है इस बीमारी का अटैक हो चुका है, ये रोग आपके उस पर लग चुका है, तब आपको क्या उपाय करना है। तो इसके जब रोग लग जाता है तो आपको ये दवा लेना है, यहाँ पे थायमोक्सम प्लस एमामेक्टिन बेंजोएट, इन दोनों को आपको अलग अलग उसी तरह बाल्टी में आपको अलग अलग घोलना है, फिर बराबर की क्वांटिटी में मिलाकर आपको अपने खेत में स्प्रे कराना है। और हाँ, ध्यान दें, आपको हेक्जा सॉल्ट आता है उसको आप ज़रूर लगाएं इसमें मिक्स करके। इससे क्या होता है कि जिसमें आपका जो धान है तो उसमें जो दागी होता है, जो धब्बा लगता है वो नहीं लगेगा, जो रेड कलर का धान में धब्बा लग जाता है वो नहीं लगेगा। इससे क्या होगा कि आपका धान अच्छा रहेगा, जब आप मार्केट में ले जाएंगे तो आपको उसका अच्छा रेट मिलेगा। तो आप ये जो है हेक्जा साल्ट है इसका जरूर यूज करें, चाहे आप जिस भी वैरायटी पे लगा रहे हों, 17-18, 15-09, 16-92, सुगंध, BH21, सरबती, बासमती, सभी के लिए ये साल्ट है। देख पा रहे होंगे वीडियो में आप ये कि धान में किस तरह ये बाली जो है आपकी पीली पड़ के सूखती जा रही है, तो इसमें से तना छेदक का प्रकोप हो चुका है। तो सभी किसान साथी ये जो साल्ट हमने बताएं आप अपने खेत पर यूज करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि ये जो साल्ट है इनको आप बदल के लगाते रहना चाहिए।